उत्तर प्रदेश के मेरठ खरखोदा की ग्राम पंचायत नगला कबूलपुर गांव के एक तालाब के पानी की निकासी को लेकर दलित समुदाय और ठाकुर समाज के लोगों में खूनी खेल हो गया था, जिसके चलते दोनों पक्षों के करीब दर्जन भर लोगों के घायल होने की खबर आई थी। वहीं ठाकुर समाज के लोगों ने स्थानीय पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया था और पुलिस ने ठाकुर समाज के लोगों की FIR दर्ज नहीं की थी। वहीं चौकी प्रभारी मऊ खास सुभाष चंद्र पर ठाकुर समाज के लोगों ने पक्षपात का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग भी की थी, लेकिन ठाकुर समाज के लोगों की अभी तक कोई मांगें शासन प्रशासन ने नहीं मानी हैं, जिसके चलते ठाकुर समाज के लोगों में रोष व्याप्त है। उधर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते गाँव की जिस तालाब के पानी निकासी को लेकर नगला कबूलपुर गाँव में खूनी खेल हुआ था, वह तालाब आज भी उसी स्थिति का दम भर रहा है। लगातार हो रही बारिश से इस तालाब के पानी ने गांव के मुख्य सड़क को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसके चलते गांव के निवासियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां से होकर गुजर रहे स्कूली बच्चे समेत गांव के अन्य नौकरी पेशे वाले लोगों को इसी पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिसके चलते गाँव का विकास कार्य पूरी तरह से बंद हो गया है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।